तो दोस्तों अभी इसको बेचारे को भूख लगी हुई है, ऐसा भागता फिर रहा है, भूख थोड़ी लग रही है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, तो किसी को कुछ मना नहीं कर रहे, वीडियो बनाने को भी मना नहीं कर रहे, तो स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पीर निगाहे, तो दोस्तों हम किसी काम के लिए ऊना आए थे, तो ऊना से हम अब पीर निगाहे के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ठंड बहुत है यहाँ पे, अभी 3 डिग्री के करीब यहाँ का टेम्परेचर है। तो टाइम हो चुका है मतलब 10 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह गए, तो चलते हैं अभी पीर निगाहे के दर्शन कराते हैं। तो मेरे साथ रमन है, पीछे नीतू बैठी है, रमन ने आज छुट्टी कर ली। तो दोस्तों अभी हम पीर निगाहे पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो पीर निगाहे है, जो सरकार की बारगाह है, वो है ऊना में, हिमाचल में पड़ती है। तो ऊना शहर के अंदर तकरीबन ऊना से जो मेन रोड है उससे 6-7 किलोमीटर अंदर रोड जाती है मंदिर के साथ से। तो आप वहाँ से आप टपका जाना, बाकी सीधी रोड है पीर निगाहे के लिए, तो बाकी आपको वहाँ जाके दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम पीर निगाहे, और ये कुछ ऐसा रास्ता है मंदिर पीर निगाह, और यहाँ पे चलते हैं अंदर। गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर दी, तो चलते हैं अंदर, तो बाकी का दर्शन आपको अंदर जाके करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें भी हैं, तो प्रसाद के लिए, तो अपने घर वालों के लिए कुछ अगर लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। लखदाता लालां वाली सरकार की जो मेन बारगाह, तो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं है, तो बाकी आपको दिखाते हैं अंदर जाके दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों अभी हम 11वीं वाली सरकार, तो इधर हम नीचे केव में हैं, छोटी सी केव है, इन्होंने हमें दर्शन करने दिए लाल वाली सरकार की जगहें। तो हम एक दूसरी केव में भी गए थे, तो वहाँ पे हमने अंदर बैठ के दर्शन करे, 41 मलंगों की वो जगह थी, तो हमने वहाँ भी दर्शन कर लिए। तो यहाँ के जो जो सेवादार है बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, तो किसी को कुछ मना नहीं कर रहे, वीडियो बनाने को भी मना नहीं कर रहे, तो हम यही दुआ करते हैं कि सुख शांति सब रहना, कृपा करना। तो बाकी क्या आपको बाहर जाके दर्शन करवाता हूँ, ये छोटी सी ऐसी केव है, छोटी सी। तो दोस्तों ये है लखदाता लाल वाली सरकार की बारगाह, तो कुछ सरकार भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने मेरे को हमें बहुत दर्शन अच्छे से करवा दिए। तो ये माता अंसा जी, तो उनका ये सम्मान भी पड़ा यहाँ पे। तो ये लाल वाली सरकार की जो प्रतिमा बनी हुई है, तो ये है, तो एक वहाँ पे ये है गुफा है, ये गुफाएँ 41 मलंगों की, तो हमें
सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अंदर जाके भी दर्शन कर सके, तो हमने अंदर जाके दर्शन कर लिए थे बहुत अच्छे से। ये नगाड़ा पड़ा है, एक छोटी सी गुफा ये है, तो यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापना करी हुई है। तो यहाँ पे आप तेल वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे हिंदू देवी देवता सारे, यहाँ पे सनातन धर्म के सारे देवी देवता वो बैठे हैं, हमारे महादेव सबसे ऊंचे। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये वहाँ पे भोलेनाथ शिवलिंग स्थापना करी हुई है, अंदर एक गुफा अंदर है, वो छोटी सी वो गुफा है। और ये 11वीं वाली सरकार की जगह है ये वाली। तो यहाँ पे दिखा हुआ है जब 11वीं वाली सरकार ने डुबदा बेड़ा तार दिया था, तो वो जगह मतलब वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ महाकाली की प्रतिमा है, और ऊपर से लेकर नीचे तक सारे यहाँ पे सभी देवी देवताओं की स्थापना कर रखी है, हनुमान जी की कर रखी है। वो मज़ा आ गया यहाँ पे दर्शन करके। तो दोस्तों ये है बारगाह की बैक साइड। तो हमने थोड़ा एक वहाँ पे भी जाना है जहाँ पे 11वीं वाली सरकार की बारगाह है, तो वहाँ भी जाएंगे हम। तो कुछ ऐसा ये लंगूर बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा पीछे रहो, ये अटैक ना कर दे। हेलो नहीं, इधर आ जा। यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और ऐसी दुआ हुई, मज़ा आ गया। तो चलते हैं आगे। तो अभी 11वीं वाली सरकार की बारगाह में जाना है, तो हम जाएंगे उधर से पीछे से। कमाइयां बरकत करनी बाबा जी, बच्चियां परिवार में वादा करो महाराज जी, पार को शांति रखनी। शांति रखनी बाबा जी, तेरे दरबार से बड़ी आस सरकार के बच्चे बाबा, बच्चों की आसा मरादा पूरी करो, मनोकामना पूरी करो, कृपा करनी बाबा जी, रहमत करनी, सलाह करना बच्चों का, कृपा रखी बच्चों की बाबा जी। इतने अच्छे दर्शन हुए, तो यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ना फ़ोन चलाने की, ना वीडियो बनाने की, और इतने अच्छे से मत्था टेकने दिया। अभी हम मतलब इतने किस्मत वाले हैं कि हमें जिस गुफा के अंदर किसी को प्रवेश नहीं किया जाने देता, तो उसमें हमें अंदर जाके दर्शन करने दिए। तो रमन भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेके कहाँ आए थे? लेके हम पासपोर्ट ऑफिस आए थे, लेकिन पहुँच गए हम यहाँ पे। जन्नत में पहुँच गए भाई। भाई अंदर नीचे ना उन्ना के अंदर जो नीचे वाला एरिया, वहाँ पे इतनी धुंध और ऊपर चढ़ते ही धूप, भाई मजा आ गया। फॉग इतनी थी, फॉग धुंध भी तो बोलते ही है, कोरा ही कोरा। तो दोस्तों देखो इधर कितनी फॉग है इधर नीचे, तो ऊपर पूरा वो है, धुंध है, धुंध धुंध है। तो यहाँ से हम खोजा जी की जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, तो करते हैं यहाँ खोजा जी के दर्शन।
अस्सलाम कृपा करना लगते सूक्ष्म तो दोस्तों अभी इसको बेचारे को भूख लगी हुई है ऐसा भागता फिर रहा है नहीं भाई यही कर दे देखी खड़ जाता तू खांदा मानेगा नहीं ना तू आ जा मित्र तूने इसको क्यों उठा रखा है इसको क्यों उठाया हुआ है ठंड के मारे सुंगड़ गया डर गया ये डर गया तू इसको ना भूख लग रही है थोड़ा कोसा सा कर देना है ना इसको इसमें ना थोड़ा पानी डाल देना वही लूज मोशन लग जाए उसको पीले पीले इसको भूख लग रही थी ये चंद्रा आदमी ये चंद्रा आदमी मना कर रहा था तो दोस्तों अभी हमने ख्वाजा जी के उधर भी दर्शन करके आ गए तो अभी चले हैं कार में पैर ठंडे हो गए मैं आपको बता रहा था ना कितनी धूप है तो अभी देखना घुमा के दिखा कैमरा धूंध पड़ेगी धुंध पड़गी फॉग पड़गी एकदम से और अभी चलते हैं घर घर नहीं क्या पता नैना देवी चले जाए महामारी ने बुलाया तो चले जाएंगे अगर नहीं बुलाया तो नहीं जाएंगे तो दोस्तों एक जगह रहेगी थी वहाँ भी आपको दर्शन कराते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी आके रुक के गए थे और लाला वाली सरकार को यहीं पे मिले थे और ग्यारहवीं वाली सरकार को तो वो ये जगह है गुरु नानक देव जी की तो इधर बाबा की जगह जिसमें बाबा फरीद जी ने जो लाइनें लिखी थी दो नैन बस छोड़ दियो मुझे पिया मिलन की आस तो वो इस दृश्य को वो बता रहे हैं तो थोड़ा तो दोस्तों अगर आप पीर निगाहे आए यहाँ पे दर्शन करें अपनी मनोकामना पूरी करें दुआ बेनती लगाएं अवश्य पूरी होगी तो लाला वाली सरकार ने हमें यहाँ बुलाया तो कृपा करेंगे सुख शांति देना सबर देना अंग संग साथ रहना कृपा करना गलतियों को माफ़ करना और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय दोस्तों हर हर महादेव घर घर महादेव